पता अथर्व, मारे को पूरा विश्वास है कि तारे पापा ना एक दिन जरूर आवेंगे, क्योंकि अब वो धरे से दूर रह ही ना सके। और सम्मू जी मारा ये विश्वास ना टूटने ना देंगे। ये सोचकर हैरान मत होना कि तुम्हारे होते हुए मैं कैसे आ गया। होने को कुछ भी हो सकता है कबीर, कुछ भी। कबीर, कहानी के किरदार बदल रहे हैं, तुम बदल रहे हो। मेरे आने से पहले से ही तुम अपने आप से लड़ रहे हो, अपने अंदर के कबीर से लड़ रहे हो। बन्नी और अथर्व को याद कर रहे थे ना, बस यही वो पल है जहां मैं और तुम अलग नहीं कबीर। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी ईगो तुमसे कह रही है कि नफरत करो बन्नी से, नफरत करो अथर्व से, पर तुम्हारा दिल चाह कर भी वो कर नहीं पा रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि कबीर, तुम्हारे दिल में उनके लिए प्यार है। प्यार करने लगे हो तुम उनसे, बस स्वीकार नहीं कर पा रहे या स्वीकार नहीं करना चाह रहे। कबीर, अरे बहुत दबा ली अपने दिल की आवाज। अब एक बात बताओ कबीर, ऐसे अपने आप से लड़ लड़ कर जीने से क्या फायदा? अरे दिल खोल के जियो, जो दिल कहे वो करो, दिल कहे प्यार करो तो प्यार करो, और प्यार में हार जीत कैसी कबीर? हाँ सच कहा तुमने, सच कहा तुमने। थक गया हूं मैं, थक गया हूं युवान खुद से लड़ते लड़ते, थक गया हूँ नफरत करते करते। कबीर, एक दूसरे से डर डर कर जीने से बेहतर है कि एक दूसरे के साथ जिए। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं कबीर, उन्हें आने दो अपनी जिंदगी में। दिल के किसी कोने में जो थोड़ी बहुत नफरत रह गई उसे मिटा दो, खत्म करो इसे। अब तुम्हें मेरे हिस्से का जीवन और अपने हिस्से का जीवन दोनों जीना है। कबीर सुनो, कबीर अपने दिल की सुनो, मानो, स्वीकार करो कि तुम बन्नी और अथर्व के बिना अधूरे हो। अब तुम उनके साथ जियोगे, उनके खातिर जियोगे।
उनके साथ एक नई जीवन की शुरुआत करने का वक्त आ गया है कबीर। ये क्या? युवान कबीर, युवान कबीर, युवान बन्नी, बन्नी काना, विष्णुरा, विष्णुरा, मैंने काना को पालने पर रखा था, पर वो मिल ना रहा, मैंने पूरा घर ढूंढा पर चीजें तो घबरा मत, घर पे ही होगा कहीं। हाँ विष्णुरा, अगर वो घर पे होता तो उसकी कुछ आवाज आती, वो पुकारता, पर कटे भी ना है, मैंने पूरा घर ढूंढा। जीजी तो रुक, हम सब मिलकर ढूंढते। विष्णुरा कहीं कहीं फिर से कोई उसे लेकर तो ना गया। राजा भाई, बन्नी तुम घबराओ मत, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे, यही कहीं होगा काना। हाँ बन्नी, सभी लोग गली के नाके तक ढूंढ के आएंगे, है ना? चलो ढूंढो सभी। काना अथर्व, विष्णुरा कहीं कहीं हमारे अथर्व को कबीर तो ना ले गया। विष्णुरा हमें अथर्व को बचाना होगा, हमारे काना को बचाना होगा। बन्नी जाओ, अथर्व मेरे पास है, महफूज है, और आज हम बाप बेटे पूरे साजो सामान के साथ तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अब देखो, अथर्व बहुत छोटा है, बोल नहीं पाता, पर इसके दिल की बात मैंने सुन ली, महसूस कर ली। अब ना तो अथर्व शायर है, ना मैं शायर हूं, ना अथर्व को रोमांटिक बातें करने आती है, ना मुझे, इसीलिए साफ साफ दो लाइनों में कहूंगा, बन्नी चाहो, क्या तुम कबीर सिंह राठौड़ की पत्नी और अथर्व सिंह राठौड़ की मां बनने के लिए राजी हो? बताओ ना बन्नी चाहो, क्या तुम मेरी पत्नी और अथर्व की मां बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम हमारी जिंदगी में वो नमक बनकर आना चाहोगी जो हमारी जिंदगी में स्वाद भरेगी? क्या तुम हमारी जिंदगी में वो गुलाब जामुन बनकर आओगी जिससे हमारे जीवन में मिठास खुल जाएगी? जवाब दे भी दो बनने चाहो। और साथ में हमारी ऊपर भी जोड़ ले कि तू राठौड़ खानदान की बिंदड़ी बनने के लिए तैयार है, बननी चाहो। हाँ बननी चाहो, आज मान भी जाओ। बन्नी, क्या तुम एक बच्चे के बाप के साथ साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो? प्यार दोनों करते हैं, बेहिसाब करते हैं, बेशुमार करते हैं, जवाब दे भी दो। मैं नहीं, अथर्व पूछ रहा है। हाँ बोल दीजिए जी। हाँ कभी कह दिया बन्नी ने अथर्व।
एक लड़का था, थोड़ा बावला सा, और उसे खाने से सख्त नफरत थी। और फिर उसके जीवन में आई एक लड़की। लड़की भी थोड़ी बावली सी, बहुत जिद्दी सी, और फिर सब बदल गया। वो लड़की जिसका काम और नाम दोनों एक हो गए, बन्नी चाओ होम डिलीवरी। लाड से बनाती, चाव से खिलाती। उस लड़की का सिर्फ एक सपना था, अपने बिजनेस को बड़ा बनाना, बहुत बड़ा बनाना। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, 1.5 लाख कस्टमर्स तक पहुंचाना। बड़ा ही खास मेन्यू था उसका, और जितना मेन्यू खास उतना ही खास कहने का अंदाज भी था। यहाँ पे दाल बाटी चूरमा, गट्टे का साग, कांदे का साग, पिंचली, साई गोभी, साई बैगन, लहसुन की चटनी, युवान मीठी खीर, और साथ में हमारा लाड दुलार ममता फ्री। उसने जिस लाड से, जिस दुलार से, अपनी ममता से, बन्नी ने युवान की जिंदगी बदल दी। तो अगर आपके लिए भी खाना मायने रखता है, जायका मायने रखता है, तो खाना मंगवाइए बन्नी चाव होम डिलीवरी से। एक्सक्यूज मी सर, सर शॉर्ट रेडी है। ओके। हाँ, बट अरे तुम आ गई हो, सुंदर लग रही हो। कबीर, मारे को ना थोड़ा डर सा लग रहा है, थोड़ी घबराहट हो रही है। पर मेरे खातिर तुमने ये कितनी बार किया, अब अपने खातिर करो। अरे बन्नी चाव होम डिलीवरी को बड़ा बिजनेस बनाना है या नहीं? बन्नी चाव होम डिलीवरी। ये लो, बन्नी के हाथ का बना, उसके लाड दुलार ममता से भरा खाना थारे वास्ते। मुझे नहीं खाना है खाना। खाना नहीं खाना? कैसे नहीं खाना? हाँ, एक बार बन्नी ने फैसला कर लिया ना कि थारे को खाना खिलाना है, तो फिर माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से मैं थारे को खिला के रहूंगी। अभी रुक। मैं नहीं जबरदस्ती। ये देखो, ये रहा गट्टे का साग। अरे अरे नहीं नहीं खाना। छोरे रुको। सबसे फेवरेट हमारे हाथ की बनी युवान मीठी खीर।
के लिए इतना ही। इतनी मतलब? अरे मुझे और चाहिए, लाओ प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, बाकी खीर शाम को मिलेगी, शाम को खाना। शाम को? मुझे ना ना नहीं मिलने वाला। युवान, कबीर, युवान। And pack up. हाँ सर, हमारे स्पेशल लहसुन की चटनी भी मिलेगी। बन्नी, और कितने डब्बे तैयार करने? अरे चार्मी करते रहो। वैसे भी ये जो बन्नी चाव की गाड़ी चली है, इसमें कभी ब्रेक थी ही नहीं। हाँ। बन्नी चाव होम डिलीवरी के इतने सारे डब्बे, फीलिंग सो प्राउड। हाँ, घड़ी घमा सा, बन्नी चाव होम डिलीवरी। हाँ जी, कहिए सा। जी सा, जी बेटे भी हो जाएगी डिलीवरी। हाँ एक मिनट। हाँ एक मिनट जी। हेलो, हाँ सा, ये आप बोल दीजिए। हाँ सा, सब कुछ मिला है। हाँ हाँ, गट्टे का साग, कांदों का साग, तिमसली, साई गोभी, साई बैंगन, चटपटी तोरी, लहसुन की चटनी, युवान मीठी खीर और हमारा लाड दुलार ममता फ्री। बिल्कुल बैठे डिलीवरी। हाँ, मैं बताती हूँ सा। जी सा। कबीर कबीर कबीर, अब बन्नी चाव हम डिलीवरी के ऑर्डर साउथ इंडिया से भी आने लगे। अब ऑर्डर इतनी दूर कैसे डिलीवरी कर पाएंगे हम? सब कर पाएंगे बन्नी चाव, बस सब रख। क्यों अथर्व, कर पाएंगे ना? है ना, कर ही लेंगे, और क्या। जाओ जाओ मामा के पास जाओ। अरे अभी तो हमें इंटरनेशनल भी जाना है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेंगे। बन्नी चाव, तुम्हारा सपना मेरा सपना, बहुत जल्द बन्नी चाव नाम के रेस्टोरेंट की चेन होगी। 1.5 लाख तो हो ही चुके, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। दुनिया में ऐसा कोई मुंह ही नहीं होगा जिसने ये ना कहा होगा कि वाह बन्नी चाव, वाह तुम तो जिंदगी में स्वाद ले आए। वाह बन्नी चाव, वाह, तुम्हारी लाड दुलार ममता हिट हो गई। इसने सोचा था कि खाना बनाने का सफर इतना खूबसूरत हो सकता है, इतना खूबसूरत। सेल्फी तो बनती है। हाँ, सेल्फी प्लीज। बिस्नुडा दादा सा, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।